नमस्कार, मैं नीरज राठौर घमासान.com से। आज एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर राधे जाट जी हमारे बीच में हैं स्टूडियो में। राधे जी, आपने कब स्थापना की थी एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन की, और तब से लेकर अभी तक क्या क्या आपकी एक्टिविटीज रही? एग्री अंकुरण हवा की स्थापना का जो एक दिमाग में आया, वह तब आया जब हमारे एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय की जो जमीन है उसको जब गवर्नमेंट के द्वारा हथियाने की कोशिश की गई और वहाँ पर हाईकोर्ट बनाने की हो गई, तो हमने एक आंदोलन स्टार्ट किया था जमीन को लेकर। तो जब देखा कि एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उनका लगाव एग्रीकल्चर के प्रति कम हो गया और वो इधर उधर अपने जॉब में ही बिजी थे, और उसमें जो करेंट स्टूडेंट था उनका भी इतना लगाव नहीं था, तो एक दिमाग में आया कि कैसे ना हम लोग एक ऐसा संगठन खड़ा करें एग्रीकल्चर के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम लोग करंट स्टूडेंट जो और पास आउट स्टूडेंट जो एलुमनी उनको जोड़कर एक संगठन खड़ा करें, ताकि जो है कि छात्रों के हित में भी काम कर सके और फार्मर्स के हितों में भी काम कर सके। तो इसकी हमारी जो स्थापना हुई 25 फरवरी 2017 में हमने इसकी स्थापना की एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा की, और उस टाइम हमने प्रोग्राम किया जिसमें जो करेंट स्टूडेंट और जो पास आउट स्टूडेंट थे उनके विद फैमिली प्रोग्राम किया, और वहीं से एक अंकुरण की स्थापना हो गई है। और उसके बाद फिर हमने इसमें 10 फरवरी 2018 में फिर एक प्रोग्राम किया, और हम लगातार इसमें एक लोगों का जो कृषि छात्रों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, और आज एक संगठन काफ़ी राष्ट्रीय लेवल पर अपना काम करने लगा है। एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन में आपने कुछ आंदोलन भी किए। तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार के साथ आपके मतभेद भी हुए थे, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी गई थी बात। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ गया था? हमारा एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन हवा का मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि हम आंदोलन ही करें। हम लोगों ने पहले सरकार के जो कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री रहे बिसेन सर, उनसे भी 3 बार यहाँ पर निवेदन किया था। हमारा पूरा रिक्ति जो रिक्त पद पड़े हुए हैं कृषि में, 8,000 पद रिक्त पड़े हैं, उनके मैं आवेदन दिया था और बोला था कि सर ये हमारी पोस्ट खाली पड़ी है और एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं वो 7-8 साल से बेरोजगार बैठे हैं, तो उनके लिए आप रोजगार की ये जो वैकेंसीज रुकी पड़ी हैं गवर्नमेंट विभाग में, और कृषि विभाग भी खाली पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप भरने की कोशिश करें। तो उन लोगों ने उस टाइम आश्वासन भी दिया था, और हमने ये भी बोला था कि जब अगर केंद्रीय गवर्नमेंट माननीय मोदी जी ये बोलते हैं कि हम फसल का दो गुना करेंगे, तो हमारा मकसद यही था कि कैसे 2 गुना आप कर सकते हो अगर कृषि के छात्र ही उसमें नहीं की पोस्ट खाली है उनको अगर नहीं भर पाएंगे। तो उन लोगों ने 2-3 बार हमसे आश्वासन दिया और हमसे लिखित में यहाँ पर दे के गए हो। जब हमने उनको यहाँ पे कृषि महाविद्यालय में मेला लगा था इंदौर में, तो हमने उनको रोका था, तो उन लोगों ने लिख के गए थे कि हम आपके यहाँ से जाने के बाद 1-2 महीने में वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन वो वैकेंसी आ नहीं पाई। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों ने अभी 2018 में 1 अक्टूबर को हम लोगों ने सीहोर से पैदल मार्च भोपाल तक निकाला, जिसमें सभी कृषि महाविद्यालय जबलपुर और ग्वालियर यूनिवर्सिटी के सभी छात्र सम्मिलित हुए, और उसमें छात्र और छात्राएं दोनों थी, और हमने पैदल मार्च लेकर भोपाल गए, और हमने वहां पर जाके कृषि मंत्री के घेराव किया और हम लोगों ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया। और उसी का मारम रहा कि उसमें वहां पर हमको पुलिस के माध्यम से धमकियां भी, गोली मारने की धमकियां भी दी गई, लेकिन हम लोग नहीं हिले। तो रात को 11 बजे हम लोगों को जबरन वहां से उठाया गया था। तो उस टाइम भी हम लोगों का वो आंदोलन में इन्होंने कोई सरकार ने किया, लेकिन एक बात यह है कि उस टाइम पे जो भोपाल के जो सांसद रहे हैं पूर्व इसके कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया था कि अगर हमारी सरकार आती है अब इस बन के, तो हम लोग आपकी जो वैकेंसी वो 1 महीने में भरेंगे, और ये उन्होंने आश्वासन दिया था, उस टाइम ये सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद हम चीज़ों ने हमने समझा, और जब ये सरकार बन गई उसके बाद हम लोग वापस आए, और 2-3 बार हमने अभी किसान संसद जब अभी इंदौर कृषि महाविद्यालय में हुई, तो माननीय कृषि मंत्री जी सचिन यादव जी को भी हमने अपने ज्ञापन सौंपा, भोपाल जाकर भी ज्ञापन सोचा, और हमने उस पर बोला कि सर ये जल्दी से जल्दी वैकेंसी भरी जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, 8-10 साल हो गए हैं, कृषि विभाग पूरी तरीके से खाली हो गया है। तो उस पर लेकिन जब कुछ प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है अभी हमको, तो हमको एक बार फिर हम लोगों ने ये एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा के माध्यम से हमने ये सोचा कि हम लोगों को फिर एक बार 28 जनवरी को हम लोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि हमारी पोस्ट वापस नहीं आ जाती।
जैसा कि आपने बताया कि आप कृषि मंत्री जी से मिले, 3 बार आपका उनके साथ में मीटिंग हुआ, आपने रचनात्मक तरीके से अपनी बात रखी, ज्ञापन दिया, आवेदन दिया, और अभी कमलनाथ सरकार को बैठे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ है उनको, तो क्या ये आंदोलन की जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि सरकार अभी पूरी तरह से सेटअप नहीं हो पाई है? आपकी क्या रणनीति है इस आंदोलन को लेकर? हमारी रणनीति यह है कि हम लोगों ने इस 3 बार हम मिलकर कृषि मंत्री को यही चीज बोला है कि हम लोग जल्दबाजी में नहीं है, हम 8-10 साल से इस चीज का वेट इंतजार कर रहे हैं। और वैकेंसी पूरा कृषि विभाग आप देखेंगे तो पूरे तरीके से 70% खाली पड़ा है डिपार्टमेंट ने। एक ग्राम सेवक के पास 4-4 जगह के उनको दे रखी है जिम्मेदारी, और वो सही तरीके से काम भी नहीं कर पाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कृषि विभाग में, अगर कृषि के छात्र जो बेरोजगार बैठे, अगर इनको नहीं भरोगे तो इस ये जल्दबाजी नहीं है, ये तो ये खुद लेट कर रहे हैं और इससे इन गवर्नमेंट को भी नुकसान है। अगर कृषि के छात्र अगर आएंगे कृषि विभाग में तो ये उनके लिए एक हिम्मत देगा। तो हमारा यही है, हमारा कोई जल्दबाजी वाला लिया गया फैसला नहीं है। हम लोग 3 बार मिल चुके हैं और हम लोग आश्वासन कब तक लेंगे? अभी मार्च में फिर आचार संहिता लग जाएगी और फिर इसी नाम पे बहाने के हम आचार संहिता के बाद ये करेंगे, तो कृषि के छात्र कब तक इस तरह से रुक सकते हैं? और किन किन मुद्दों पर असहमति है अभी आपकी सरकार से? ये आपका बेरोजगारी का मुद्दा है, कृषि विश्वविद्यालय का मुद्दा है, और भी आपके कोई मुद्दे हैं क्या जिनमें आप सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं? अभी कृषि, अब जो हमारा मेन मुद्दा तो जो है वो कृषि छात्रों के रोजगार के लिए है कि वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। एक कृषि महाविद्यालय इंदौर को विश्वविद्यालय बनाने की हमारी बात चल रही है, क्योंकि ये काफी पुराने टाइम से चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर स्टेट में 4-4 विश्वविद्यालय, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश है वहां सिर्फ 2 ही विश्वविद्यालय हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एक जबलपुर हो गया, एक ग्वालियर हो गया, और अगर मालवा निमाड़ में सबसे अच्छी अगर कोई फार्मर है खेती करने में तो वो इधर है, और इधर मालवा निमाड़ को अगर एक कृषि विश्वविद्यालय बन जाएगा तो इधर के फार्मर को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी। और दूसरा रहा किसानों के मुद्दे पे भी, हम सोच रहे हैं कि जो किसान अभी परेशान हो रहे हैं उस पर भी हम लोग किसानों से बातचीत करके अगर उनके कुछ मुद्दे रहेंगे तो वो भी हम 28 जनवरी को जब हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे तो हम जो भी किसान हैं उन संगठनों को बुलाकर भी अगर उनके भी मुद्दे होंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये थे राधे जाट जी आज हमारे साथ में, जो एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा के प्रतिनिधि हैं, फाउंडर हैं, और एक लॉन्ग विजन लेके कृषि स्नातकों एवं किसानों के लिए जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 28 जनवरी से जो इनका आंदोलन स्टार्ट हो रहा है उससे कमलनाथ सरकार कितने दबाव में आती है और सरकारें इनकी मांगे जो है वो कहां तक मानती है। बहुत बहुत धन्यवाद।